सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। इसके अंदर भी स्पोर्ट्स क्या कुलता है, फुटबॉल से ट्रॉफी रिमूव तस्वीर गाइस के वीडियो पर किस देरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफसी कप के बारे में। तो एएफसी कप में फाइनली आज मैच है एडीएम ऑन बगान वर्सेस अल नसफ एफसी। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच एंड हम सब ये मैच देखना चाहते हैं। एंड ये मैच आज 8:30 बजे आप ये मैच हॉटस्टार में देख सकते हो एंड टीवी में स्टार स्पोर्ट्स 3 एंड स्टार स्पोर्ट्स 2 में देख सकते हो। एंड डेफिनेटली एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। एंड अगर हम लोग मैच का बात करें तो अल नसफ एफसी का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल कर रहा है एएफसी कप में। उन्होंने टोटल 4 मैचेस खेला है एंड उन्होंने चारों ही जीता है और उन्होंने बस 2 ही गोल कंसीड किया है, उसमें से सिर्फ 1 गोल ओपन प्ले से आया है एंड 1 गोल मतलब फ्री किक किया वैसे कॉर्नर से आया है। सो डेफिनेटली अल नसफ का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड स्टडी है। बढ़ा दूसरी तरफ एडीके मोहन बगान का अटैक भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड अल नसफ के पास एक बहुत ही ज्यादा यंग एंड टैलेंटेड फॉरवर्ड प्लेयर है जिनको एटीके मोहन बगान के डिफेंडर्स को रोकना होगा, काफी अच्छे से उनको मार्क करना होगा क्योंकि अच्छा पेस के साथ ऑपरेट करते, एज 19 है उनका, सो वो आराम से निकल सकते बीच में से एंड काफी अच्छे पेस के साथ एक स्किल भी उनके पास, तो इजी नहीं होगा एंड डिफेंस को काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली अमरिंदर सिंह का काम इस मैच में काफी ज्यादा होने वाला है और जॉनी कोको को हम लोग इस मैच में फाइनली देख पाएंगे। एंड डेफिनेटली जॉनी कोको का रहना इस मैच में अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक तो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड मिडफील्ड में डोमिनेशन वो दिखा सकते हैं क्योंकि ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं इसमें मिडफील्ड का ही मेन रोल होता है। ऐसा दिखता नहीं है बट जिस टीम ने मिडफील्ड में अपना पकड़ बना लिया एक बहुत बड़ा एडवांटेज वो लोग ऑलरेडी गैदर कर लेते हैं, उनको एक मिल जाता है। एंड डेफिनेटली मैं तो पर्सनली चाहता हूँ एडीके मोहन बगान जीते। एंड इस मैच के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सुरक्षित ओवर डुरंड कप की तरफ से, तो डुरंड कप में कल 2 मैचेस था एंड अगर पहला मैच की बात करें बेंगलुरु एफसी वर्सेस इंडियन नेवी, एक बहुत ही कमाल का मैच। मतलब फर्स्ट हाफ में बेंगलुरु एफसी 2-0 से हार रहे थे, वहां से बेंगलुरु एफसी ने कमबैक करके 5-3 से ये मैच जीता है एंड तीसरा गोल जो इंडियन नेवी ने किया है वो एकदम एंड मोमेंट में, मतलब 94th मिनट में कुछ गोल किया है। सो हाँ, बेंगलुरु एफसी ने बहुत अच्छा कमबैक किया जहां पे इंडियन नेवी का टीम काफी स्ट्रांग दिख रहा था एंड उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। बड़ा सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा कमबैक एंड बेंगलुरु एफसी के यंग प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा गेम हम लोग को दिखाया। देख के भी आपको काफी अच्छा लगेगा ये मैच एंड काफी एंटरटेनिंग मैच हुआ है क्योंकि 8 गोल हुआ है टोटल इस मैच में, तो एंटरटेनमेंट पूरा था कल के मैच में एंड सेकेंड हाफ तो पूरा भरा हुआ था। सो डेफिनेटली बहुत ही कमाल का मैच था ये एंड ऐसे मैचेस देखने में अपने आप में एक अलग मजा आता है एंड इतना यंग टीम था बेंगलुरु एफसी का, सो डेफिनेटली बेंगलुरु एफसी के लिए भी अच्छा है क्योंकि यंग प्लेयर्स को भी एक मौका मिल रहा है, उनको भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो मार्को पिज़ोली आईएसएल में इनको मौका दे सकते हैं, बट नौशाद मूसा ने भी काफी अच्छा उनको खिलाया एंड डेफिनेटली बेंगलुरु एफसी क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई कर चुके हैं एंड देखते हैं कि क्वार्टर फाइनल्स में बेंगलुरु का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो बात करते कल के दूसरे मैच के बारे में, तो कल का जो दूसरा मैच था वो था केरला ब्लास्टर्स एफसी वर्सेस दिल्ली एफसी एंड एक थर्ड डिवीजन की टीम ने एक फर्स्ट डिवीजन के टीम को हरा दिया एंड केरला का जो टीम है उसको मैं फर्स्ट डिवीजन ही कंसीडर करूंगा क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं वहां पे, नेशनल टीम के इंडियन प्लेयर्स वहां पे, सो फर्स्ट डिवीजन कंसीडर करना भी चाहिए। एंड बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस केरला की तरफ से, बड़ा दिल्ली एफसी का ओके अनवर अली ने लिटरली अपना क्लास दिखाया एंड अगर इसके बाद भी उनको नेशनल टीम में मौका नहीं मिलता तो मुझे नहीं पता कि क्या परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है ताकि आपको नेशनल टीम में मौका मिले। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम अनवर अली, डिफेंस मिडफील्ड में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला है एंड ओवरऑल एक कंप्लीट प्लेयर अनवर अली एंड अंडर 23 टीम में भी उनको डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए एंड अगर उनको मौका मिलता है तो इंडिया के लिए अच्छा है, इंडिया का जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। एंड कल उन्होंने लिटरली सबसे अच्छा परफॉर्म किया है एंड दिल्ली का एकमात्र गोल विलिस प्लाजा ने किया है एंड मेरे हिसाब से विलिस प्लाजा का रोल आई लीग के सेकंड डिवीजन के क्वालिफायर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड डेफिनेटली दिल्ली का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका है क्योंकि केरला जैसे एक हेवीवेट टीम को उन्होंने हराया है, सो उनका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है एंड ये आई लीग क्वालिफायर्स में काफी एक अच्छा रोल कर सकते हैं, ये विन प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट कर चुके, ऑलरेडी कर चुके एंड डेफिनेटली हम लोग दिल्ली एफसी को आई लीग में देखना चाहते हैं एंड देखते हैं कि नॉकआउट्स में, जो कि दिल्ली एफसी ये मैच जीत चुके थे वो नॉकआउट्स में भी क्वालिफाई कर चुके,
तो नॉकआउट्स में दिल्ली एफसी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है? सुरक्षित खबर एडू बेडिया की तरफ से, तो एडू बेडिया ने एक रिकॉर्ड ऑलरेडी होल्ड कर चुके एंड एडू बेडिया बन चुके लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन प्लेयर एट एनी क्लब इन आईएसएल एंड डेफिनेटली एडू बेडिया बहुत टाइम से गोवा में एंड गोवा के सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर एडू बेडिया एंड नो डाउट उनका साइनिंग भी काफी अच्छा साइनिंग था एंड कंप्लीट प्लेयर एडू बेडिया एंड एक प्रॉपर कैप्टन है. सो मेरे हिसाब से इन फ्यूचर भी एफसी गोवा में रहने वाले. एंड आपके क्या क्या थॉट्स एडू बेडिया को लेके कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना. सुरक्षित खबर एरिक पार्तालू की तरफ से, तो एरिक पार्तालू ने बैंगलोर सिटी के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो म्यूचुअली टर्मिनेट कर दिया है एंड बेसिकली कंसेंट के साथ हुआ है. ऑफकोर्स मतलब म्यूचुअल टर्मिनेशन वही होता है. सो मेरे हिसाब से ठीक भी, बैंगलोर सिटी ने एक एशियन कोटा का प्लेयर ऑलरेडी साइन कर लिया है. सो एरिक पार्तालू का और ज्यादा कुछ काम था नहीं. वैसे हम लोग को लग ही रहा था कि एरिक पार्तालू बैंगलोर छोड़ देंगे, बट उन्होंने खुद बैंगलोर सिटी का जो कैंप है वो ज्वाइन किया था एंड वो अकेले ट्रेनिंग कर रहे थे. बट अभी उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया एंड मेरे हिसाब से वो ए लीग में वापस जा सकते हैं डेफिनेटली, और इंडिया के क्लब में भी रह सकते हैं. बट हाँ, वो इंडिया के कौन से क्लब में जाएंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी उनको टीम मिलना काफी मुश्किल होगा. एंड देखते कि क्या एरिक पार्तालू इंडिया में रहते या फिर वो कोई दूसरे फॉरेन क्लब में चले जाते. नहीं सुरक्षित खबर चेन्नई एफसी की तरफ से, तो चेन्नई एफसी अपना प्री सीजन सेप्टेम्बर 26 से शुरू कर रहा है, मतलब 4 दिनों के अंदर ही चेन्नई एफसी अपना प्री सीजन शुरू कर देगा एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा बात है, क्योंकि प्री सीजन अब जितना जल्दी शुरू करोगे आपके टीम के लिए अच्छा है. मतलब 2 महीने के करीब प्री सीजन होगा एंड बीच में फ्रेंडली मैचेस तो होता ही है एंड चेन्नई गोवा में ही प्री सीजन करेंगे, क्योंकि इस बार आईएसएल गोवा में ही हो रहा है फिर से. सो इस चीज को लेकर कोई क्वेश्चन उठता नहीं है एंड फॉरेन प्लेयर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं एंड लास्ट सीजन चेन्नई का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था एंड इस सीजन हम लोग डेफिनेटली चेन्नई से एक बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं. एंड इस बार चेन्नई ने काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स साइनिंग कंप्लीट किया, मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शनल फॉरेन प्लेयर्स का साइनिंग कंप्लीट किया है एंड काफी अलग अलग नेशन से साइनिंग किया है. तो वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे बैठाते हैं कोच एंड देखते कि चेन्नई का परफॉर्मेंस नेक्स्ट सीजन हीरो आईएसएल में कैसा रहता है. सुरक्षित इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल बार्सिलोना, तो बार्सिलोना को चाहिए एक मिडफील्डर एंड पॉल पोगबा से ज्यादा बेटर मिडफील्डर कौन हो सकते हैं. बट हाँ, बार्सिलोना के पास उतना पैसा नहीं है कि वो पॉल पोगबा का साइनिंग ट्रांसफर फी देकर कंप्लीट कर सके. तो बार्सिलोना नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो तक वेट करेंगे, मतलब 1 साल वेट करेंगे एंड पॉल पोगबा का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बाद खत्म हो रहा है. तो एज अ फ्री एजेंट बार्सिलोना का टारगेट है पॉल पोगबा का साइनिंग कंप्लीट करना, बट वो भी काफी ज्यादा टफ होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि पॉल पोगबा मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर जाएंगे. अब ये मिनो रायोला के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि मिनो रायोला एक ऐसे एजेंट है जिनको पता है कि उनके प्लेयर्स को क्या चाहिए होता है एंड वो वही डिलीवर करते हैं, इसीलिए उनको वर्ल्ड का नंबर वन एजेंट बोला जाता है. सो कुछ तो रीजन होगा ही. सो डेफिनेटली पॉल पोगबा बार्सिलोना में आ सकते हैं, बट चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब बहुत ही नॉमिनल चांसेस है एंड अभी भी 1 साल बाकी है. सो अभी से कुछ प्रेडिक्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि विंटर ट्रांसफर विंडो में पॉल पोगबा कोई दूसरे क्लब में चले जाए एंड यूनाइटेड उनको बेच दे, क्योंकि उनको भी एक ट्रांसफर फी चाहिए. और ये भी हो सकता है कि यूनाइटेड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर ले, क्योंकि अभी रोनाल्डो आ चुके एंड पोगबा का परफॉर्मेंस यूनाइटेड का ओके उतना अभी अच्छा नहीं है, उस टॉप लेवल में अभी तक नहीं पहुंचा इस सीजन में एंड देखते कि क्या पॉल पोगबा फाइनली बार्सिलोना में आते हैं नहीं. सुरक्षित खबर चेल्सी की तरफ से, तो चेल्सी मार्किनोस के लिए 100 मिलियन यूरो देना चाहते हैं एंड ये 27 ईयर ओल्ड सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है एंड मेरे साथ थियागो सिल्वा को ये रिप्लेस करेंगे, क्योंकि थियागो सिल्वा का एज बहुत हो चुका है एंड प्रीमियर लीग में खेलने वाले ओल्डेस्ट प्लेयर है करेंटली, मतलब करंट सीजन में ओल्डेस्ट प्लेयर है और नो डाउट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है. पीएसजी में भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है एंड 100 मिलियन यूरो एक डिफेंडर के लिए, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले इतना ज्यादा बड़ा ट्रांसफर फी किसी डिफेंडर के लिए किसी क्लब ने दिया है. सो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा एंड देखते कि क्या ये फाइनली चेल्सी में आते नहीं. सर बात करते दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के बारे में. तो आईपीएल में कल मैच था पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स एंड मुझे पता नहीं कि इस मैच में किसने अच्छा खेला किसने बुरा खेला. हाँ, टेक्निकली तो पंजाब ने बहुत ही एक अच्छा गेम खेला है. शुरुआत में राजस्थान जब बैटिंग करने आए थे तो उन्होंने काफी अच्छा बैटिंग किया है एंड एक रन भी वो बना चुके थे 164 में 4 विकेट, वहां से उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाया था एंड केएल राहुल एंड मयंक अग्रवाल ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया, 120 रन का पार्टनरशिप किया, उसके बाद दोनों ही आउट हो गए. उसके बाद भी एक अच्छा खासा पार्टनरशिप बहुत, मतलब 19th ओवर तक तो पंजाब डोमिनेट कर रहे थे, पता नहीं लास्ट ओवर में जाके क्या हो गया. नो डाउट बहुत ही अच्छा बॉलिंग, बट फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट करते कि 6 बॉल में 4 रन चाहिए, आप सिंगल लेके कर सकते हो, 2 तो लास्ट ओवर में वाइड था उसको,
मारने का क्या जरूरत था, मुझे पता नहीं क्या हुआ एंड में आते आते, तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज को क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला कुछ है ही नहीं उस चीज में। एंड मेरे साथ सभी काफी ज्यादा शॉक्ड थे कि हुआ क्या, एंड राजस्थान ने मैच जीत लिया है लकीली, या फिर मुझे पता नहीं क्या बोलूंगा, बड़ा डेफिनेटली पंजाब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक, बट राजस्थान के लिए एक अच्छा विन और पॉइंट्स टेबल में भी उनका जो पोजीशन है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुका है। एंड देखते कि नेक्स्ट मैचेस में इन दोनों टीम का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। सर बात करते हैं आज के मैच के बारे में, तो आज का जो मैच वो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, एंड टेक्निकली तो दिल्ली इस मैच में बहुत बड़ा अपर हैंड रखते हैं सनराइजर्स को, हर एक मैच जीतना पड़ेगा, जितना भी मैच बाकी मतलब सातों के सातों मैच उनको जीतना पड़ेगा तभी वो नॉकआउट्स में क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। एंड वैसे भी सनराइजर्स हैदराबाद का टीम का वैसा शेप ही नहीं है कि वो हर एक मैच जीत सके, और उनको मेरे हिसाब से नेक्स्ट आईपीएल तक वेट ही करना पड़ेगा, टीम में चेंजेस का बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड देखते हैं मैच कौन जीतता है। स्नूकर की तरफ से तो पंकज अडवाणी ने जीत लिया है आईबीएसएफ 600 वर्ल्ड कप, एंड पंकज अडवाणी ने पाकिस्तान के एक प्लेयर को 7-5 से हराया, तो बहुत ही क्लोज मैच था ये, एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू पंकज अडवाणी फॉर विनिंग द आईबीएसएफ 600 वर्ल्ड कप। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना भूलेगा, एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।